The question given is to find the value of 7 log 16 by 15 plus 5 log 25 by 24 plus 3 log 81 by 80. तो अगर हम देखें log के कुछ properties होती हैं, log of a by b को हम लिख सकते हैं log of a minus of log of b, and log of a into b को हम लिखते हैं log of a plus log of b. और अगर हमारे पास होता है log a to the power m, तो ये होता है m log a के इक्वल. ठीक है, तो अगर हम इधर देखते हैं, हमारे पास है 7 log 16 by 15 plus 5 log 25 by 24 plus 3 log 81 by 80. तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 7 log 16 माइनस 7 लॉग ऑफ 15, हम फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, प्लस 5 लॉग ऑफ 25 माइनस 5 लॉग ऑफ 24 प्लस 3 लॉग ऑफ 81 माइनस 3 लॉग ऑफ 80. ठीक है, अब हम इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें तो हो जाएगा 7 लॉग 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 माइनस 7 लॉग 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3 प्लस 5 लॉग 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर माइनस 5 लॉग 24 को हम लिख सकते हैं दैट इज 4 इंटू 6 या 8 इंटू 3 दैट इज 2 क्यूब इंटू 3 प्लस 3 लॉग 81 इज 3 टू द पावर 4 माइनस 3 लॉग 80 को हम लिखते हैं 16 इंटू 5 दैट इज 2 की पावर 4 इंटू 5. तो अगर हम ये प्रोडक्ट फार्मूला एंड पावर फार्मूला यूज करें लॉग का, तो 4 इंटू 7 दैट इज 28 लॉग 2 माइनस 7 लॉग 5 माइनस 7 लॉग 3 प्लस 2 इंटू 5 10, तो 10 लॉग 5 माइनस 5 लॉग ऑफ 2 क्यूब माइनस 5 लॉग 3 प्लस 3 इंटू 4 12 लॉग 3 माइनस 3 लॉग 2 की पावर 4 माइनस 3 लॉग 5. तो ये हमारे पास होगा 28 log 2 माइनस 7 log 5 माइनस 7 log 3 प्लस 10 log 5 माइनस 5 इंटू 3 दैट इज 15 log 2 माइनस 5 log 3 प्लस 12 log 3 माइनस 3 इंटू 4 दैट इज 12. तो 12 log 2 माइनस 3 log 5. तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 28 log 2 माइनस 15 माइनस 12 दैट इज 28 माइनस 27 तो हो जाएगा log 2 माइनस 7 log 5 प्लस 10 log 5 दैट इज 3 log 5 माइनस 3 log 5 तो 0 माइनस 7 log 3 माइनस 5 log 3 माइनस 12 log 3 प्लस 12 log 3 दैट इज 0. तो ये हमारे पास आ जाएगा log 2 के इक्वल. सो आर आंसर इज log 2. अगर हम ऑप्शंस चेक करें तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर.